माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री विजय भाई रूपाणी से नम्र निवेदन है कि वे प्रासंगिक उद्बोधन दें। थैंक यू। इस मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का जिन्होंने जो स्लोगन दिया है और पूरा देश उठकर उनके साथ चल रहा है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे नवसारी के सांसद गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान श्री सीआर पाटिल जी, अहमदाबाद के महापौर श्रीमान श्री किरीट परमार जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री कार्तिक साराभाई जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री अमृत भाई मोदी जी, यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज पूरा देश की निगाहें गुजरात पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस गुजरात ने महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आजादी की जंग की अगुवाई की थी और ब्रिटिशरों को भारत भूमि से खदेड़ने का जो काम किया है, वही गुजरात की भूमि पर आज आजादी की सेलिब्रेशन और सालगिरह के कार्यक्रम में उनका शुभारंभ भी आज गुजरात से हो रहा है। गांधी जी और सरदार साहब ने जन सहयोग से हमें आजादी दिलाकर स्वतंत्रता का जयघोष किया और हमें स्वराज मिला। आज जब देश आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तब गुजरात की भूमि को, भूमि के सपूत और स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं और साबरमती आश्रम की ये भूमि से 1930 में आज के ही दिन 12 मार्च को महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी कूच का आरंभ किया था और दांडी यात्रा की 91 साल की आरंभ अवसर पर आज आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ और अवसर पर पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर लीव फॉर द नेशन मंत्र के साथ आज विकास की राह पर विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है और आजादी के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद के पवित्र साबरमती आश्रम से हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए गुजरात को चुना और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज ही के दिन पूज्य बापू ने साबरमती के इस आश्रम से अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 81 पदयात्रियों ने 368 किलोमीटर दूर दांडी के समुद्र तट तक ये ऐतिहासिक पदयात्रा की थी। 25 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को बापू ने दांडी के समुद्र किनारे एक चुटकी नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ा था। ये यात्रा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वो चिंगारी साबित हुई कि जिसने पूरे देश के जनमानस के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को जलाया और आजादी एवं स्वदेशी गर्व की प्रति भारतीयों को जागरूक किया। इस नमक सत्याग्रह की पूरी जिम्मेदारी गुजरात के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर थी और भारत के स्वतंत्र संग्राम में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है और गुजरात की इस वीर भूमि ने देश को दो बड़े सपूत दिए। एक महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया
और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद होने के बाद भारत को टुकड़ों में बिखरने नहीं दिया और सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के शिल्पी बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के शिल्पकार। ये गुजरात का गौरव है कि भारत माता के ये दोनों सपूत गुजरात से हैं। परंतु आजादी के आंदोलन में गुजरात का योगदान सिर्फ गांधी और पटेल तक ही सीमित नहीं था। गुजरात के अनगिनत और वीर सपूतों ने अलग अलग मोर्चे पर आजादी के संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया। गुजरात के गणेश वासुदेव मावलंकर, कन्हैयाम लाल मुंशी, विनोद किनारीवाला, मुरारजी देसाई, विठल भाई पटेल, मगन भाई पटेल, डॉक्टर चंदूभाई देसाई, कन्हैयालाल देसाई, बलवंत मेहता, उछरंगराय ढेबर और वासुदेव भट्ट जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है और भारत की आजादी की लड़ाई अनेक मोर्चे पर लड़ी गई। दादा भाई नवरोज जी ने आर्थिक राजकीय मोर्चा का संग्राम किया। स्वामी सजानंद, नर्मद, दलपत राम, दुर्गाराम मेहता, उमाशंकर जोशी जैसे अनेक सुधारकों ने जन सामाजिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। रणछोड़ लाल छोटालाल ने अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल शुरू की और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मैडम भिखाजी कामा के योगदान को भला कौन भुला सकता है। सुरेंद्रनगर जिले के कंथ्याले गांव के महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने पेरिस में रहते हुए देश की आजादी में अपना योगदान दिया और उन्होंने मैडम कामा के साथ जर्मनी में पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज लहराया था। हमारे कच्छ के महान क्रांतिकारी क्रांति गुरु श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में रहते हुए क्रांति की मशाल जलाई और अपने विचारों से प्रेरित कर इस देश को अनेक क्रांतिकारियों को दिशा दर्शन दिया। इस गुजरात की धरती की धन्यता है कि ऐसे सपूत इस धरती ने देश को समर्पित किए। गुजरात की नारी शक्ति ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उषा मेहता, लीलावंती बैंकर, वनमाला देसाई, पूर्णिमा बेन जैसी अनेक वीरांगनाओं ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। गुजरात के आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान दिया। 1818 में डांग के भील समुदाय द्वारा चलाया गया आंदोलन, 1858 में रूपसी नायका ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों या गोविंद गुरु का आंदोलन, ऐसे अनेक आदिवासी आंदोलन गुजरात में हुए थे। ज्यादातर लोगों यह बात नहीं जानते थे कि जलियांवाला बाग जैसे दो बड़े अमानुषी हत्याकांड का दर्द भी गुजरात की धरती ने सहा है। मानगंड में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लड़ते हुए अपना जान गंवाया था। वैसा ही एक विद्रोह विजयनगर के पाली चरित्रिया गांव में मोती सिंह तेजावत के नेतृत्व में अंग्रेज के दमनकारी लगान के खिलाफ किया था, जिसमें असंख्य क्रांतिकारी आदिवासियों ने शहीदी दी थी। गुजरात के लिए सौभाग्य की बात यह रही है कि पूज्य बापू ने अपना सबसे ज्यादा समय गुजरात में बिताया और उनका यह साबरमती आश्रम अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। बापू के आह्वान पर 1942 में हिंद छोड़ो आंदोलन में भी गुजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज गुजरात भारत के लिए अत्यंत प्रगतिशील राज्य है। देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8% है और हमारे पास 1600 किलोमीटर का लंबा समुद्र तट है, जिसमें 40 से ज्यादा पोर्ट और देश के एक्सपोर्ट में गुजरात का भी काफी हिस्सेदारी है। एग्रीकल्चर में भी, दूध के उत्पादन में भी हम सबसे आगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज है, देश में सबसे ज्यादा रोजगार भी गुजरात ही देता है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गुजरात को हमेशा
एक मजबूत समर्पित नेतृत्व मिला है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि 2001 से 2014 तक भारत के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने हमेशा प्रजा को केंद्र में, जनता को केंद्र में रखते हुए सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्थाएं बनाई। ज्योतिग्राम योजना से घर घर बिजली पहुंचाने का कि उन्होंने योजना बनाकर सफल साबित किया और घर घर पानी पहुंचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात हो या फिर घर घर शौचालय बनाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो पहले गुजरात में सफलतापूर्वक लागू की गई है अब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लागू हो रही है। मैं मानता हूं कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपने वर्तमान और भविष्य की राय भी भूल जाएगा। इसलिए स्वतंत्र संग्राम के हमारे महान वीरों का बलिदान और उनका योगदान हमारे दिलों में सदैव अंकित रहे और इसके लिए हमारी सरकार ने गांधी टूरिज्म सर्किट बनाई, नेशनल सॉल्ट मेमोरियल बनाया, ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, गांधी आश्रम और राष्ट्रीय शायर जयचंद्र मेघाणी के स्मारक स्थानों को विकसित किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। गुजरात हमेशा ही देश को नेतृत्व देता आया है और आगे भी देता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बनकर देश के विकास का अपना योगदान देता रहेगा। जैसे गुजरात देश की आजादी की लड़ाई का केंद्र और बिंदु रहा है, वैसे ही भविष्य में विकास का भी, डेवलपमेंट का भी बिंदु रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम गुजराती 24 घंटे पूरे तन मन से मेहनत करके समर्पित भाव से देश की सेवा करते रहेंगे। आज आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गुजरात से शुरू हो रही है। उसको हम सफल बनाएंगे और भारत के जिन वीरों ने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निचार किया और उनकी वीर गाथा जनमानस तक पहुंचाएंगे। आज साबरमती आश्रम से निकलकर 25 दिन बाद दांडी यात्रा पहुंचेगी और यात्रा की प्रेरणा द्वारा हम राष्ट्र चेतना और राष्ट्र भावना की अलग जगाएंगे और जन जन के साथ में जोड़कर इस यात्रा को जन यात्रा बनाएंगे। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय।